सब्सक्राइब कीजिए हमारे ई कॉमर्स आइडियाज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे नए वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक, वेलकम टू आवर चैनल ई कॉमर्स आइडियाज पे। तो आज मीशो के बारे में भी बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारा मीशो के बारे में मैंने आप लोग वीडियो अपलोड किया है, कैसे आपको मीशो इंटरफेस समझना है, मीशो में क्या कमीशन से और कैसे आप मीशो पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। तो ये तीनों वीडियो पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन से दे दूंगा ताकि आप पहले पार्ट देख सके। तो आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है, सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे लिस्टिंग करना है मीशो सेलर सेंटर पे, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मीशो में प्रोडक्ट को लिस्ट करना बहुत ही आसान है, सिंपल प्रोसेस है, उतना ज़्यादा हर टाइप का हर जो मार्केट प्लेसेस है उन लिस्टिंग करना जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है वहाँ पे, यहाँ पे इतना डिफिकल्ट नहीं है। बहुत ही ईजी प्रोसेस में आप अपना जो प्रोडक्ट्स है, सिंगल प्रोडक्ट जो है लिस्टिंग जो करते हैं वो ईजिली आप कर पाएगा यहाँ पे। तो कैसे करना है, आप कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है, कैसे इमेजेस अपलोड करना है, डिस्क्रिप्शन देना है, सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए डायरेक्ट स्क्रीन पर देखते हैं और कैसे वहाँ पे प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, मैं आपको वहाँ पे डिटेल में दिखा देता हूँ। तो मीशो पे प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए सबसे पहले आपका जो मीशो सप्लायर जो लॉगिन पैनल है वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड से। उसके बाद आपका पैनल में इजी प्रोसेस में आप अपना जो सिंगल लिस्टिंग है वो आप कर पाइएगा। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लिस्ट पे कैटलॉग अपलोड, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा ऊपर में, एक है ऐड कैटलॉग्स इन बल्क। अगर आप बल्क में, मैंने बताया कि बल्क में अगर आप प्रोडक्ट आप लिस्ट करना चाहते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप एक साथ लिस्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऐड कैटलॉग इन बल्क पे आपको क्लिक करना है। अगर आप सिंगल लिस्टिंग करना चाहते हैं, आपका कम स्टॉक है या दो या तीन प्रोडक्ट आप लिस्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऐड सिंगल कैटलॉग पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं सिंगल दिखाऊंगा आपको सिंगल कैटलॉग कैसे लिस्ट करना है। तो यहाँ पे आप ऐड, मैं यहाँ पे ऐड सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपको कैटेगरीज चूज करना है कि कौन सा कैटेगरीज में आप अपने प्रोडक्ट्स है वो लिस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं ओमेंस, मेरा जो प्रोडक्ट है वो हैंडबैग है, तो हैंडबैग प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट करने वाला हूँ, तो ओमेंस फैशन पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे हैंडबैग्स, क्योंकि मेरा कैटेगरीज ये है, आपका जो कैटेगरीज है आप अपने हिसाब से एक बार वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। तो हैंडबैग्स मैं जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे है हैंडबैग्स, फिर से मैं चूज कर लूँगा और हैंडबैग्स मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट इमेज, जो प्रोडक्ट इमेज है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आप दूसरा मार्केट प्लेस की तरह ही आप सभी एंगल्स भी दे सकते हैं, अगर चाहे तो आप एक एक भी एंगल्स भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं जो मेन इमेज होता है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिटेल्स जो है गाइडलाइंस है कि कितने इमेजेस आप अपलोड कर पाएगा, क्या क्या डिटेल्स आपको देना है और उसका रेजोल्यूशन क्या होगा, सब यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक बार आप जाके ये पढ़ लीजिए ताकि आपको इमेज अपलोड करने में या कुछ प्रोडक्ट लिस्टिंग की प्रॉब्लम अगर आए तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करो ऐड प्रोडक्ट इमेज पे। तो ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे को इमेजेस अपलोड करना है। तो तीनों प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा है, तो चलिए वो इमेज मैं यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ। तो ये वाला इमेज मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट आप देना चाहते हैं वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे लिस्ट करना है। तो ये मैं एक प्रोडक्ट वन यहाँ पे दे रहा हूँ ऐड प्रोडक्ट, तो ये जो सेकेंड वन जो है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, और थर्ड वाला जो है प्रोडक्ट वो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। एक ही डिज़ाइन है, सिर्फ कलर अलग है, थोड़ा कलर डिज़ाइन अलग है, तो प्राइस इसका सेम है, तो इस वजह से मैंने एक ही प्रोडक्ट के अंदर सभी जो डिटेल्स है और लिस्ट है वो मैं कर दे रहा हूँ। मतलब ये कैटलॉग आप देख सकते हैं मीशो ऐप में कि कैटलॉग के हिसाब से आपको प्रोडक्ट जो शेयर करना होता है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट रहता है सेम प्राइस के हिसाब से, तो इसलिए यहाँ पे एक ही जो तो प्रोडक्ट्स आप इस कैटलॉग के अंदर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। तो कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपको जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, जो प्रोडक्ट्स का प्राइस वगैरह जो है, SKU ID जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये आपको डिपेंड होगा आपका इंटरनेट स्पीड के ऊपर, तो आपका अपलोडिंग टाइम थोड़ा लग सकता है, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट का इमेजेस है वो हाई रेजोल्यूशन में क्लिक किया हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। तो चलिए इमेज अपलोड, दो इमेज अपलोड यहाँ पे हो गया है, थर्ड वाला भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट को डिटेल्स पढ़ना है। तो देखिए ऊपर में प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू एंड प्रोडक्ट थ्री, तीनों यहाँ पे प्रोडक्ट आ चुका है, चाहे तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट वन का अगर चाहे एक्स्ट्रा इमेज आप देना चाहते हैं तो राइट साइड पे देखिए यहाँ पे ऐड इमेज करके है, तो आपका अलग अलग व्यूज भी आप वहाँ पे दे सकते हैं।
तो थोड़ा मैं शीट को ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिटेल्स मैंने रखा है, जो डिटेल्स फिलअप करके मैं यहाँ पे देने वाला प्रोडक्ट डिटेल्स जो मेरे पास है ऑलरेडी, तो वो एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने वो ओपन कर लिया है, जो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट मेरा है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर लिया है। तो चलिए उसको मैं लिस्ट कर देता हूँ कि कैसे, मतलब उसका जो डिटेल है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ताकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट का जो डिटेल्स ज़्यादा देना नहीं पड़ता है, कम ही देना पड़ता है, तो वो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स का, जो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट मेरे को SKU ID देना है, देखिए मीशो प्राइस जो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे इंक्लूडिंग GST आपको देना है, तो वो मीशो का जो प्राइस जो मैं डालने वाला हूँ वो मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। तो प्रोडक्ट का जो प्राइस मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, यहाँ पे 499 मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। उसके बाद GST देना है, तो ये 18% GST के अंदर होता है, तो GST दे रहा हूँ यहाँ पे। HSN कोड आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली HSN कोड यहाँ पे आ जाता है, तो आप कोई भी कोड या गूगल सर्च करके भी आप दे सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट वेट आपको देना है, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट का वेट क्या है। तो पहला वाला जो मैंने दिया है यहाँ पे गोल्डन एंड ब्लैक वाला, तो इसका वेट यहाँ पे 305 ग्राम्स है, तो मैं यहाँ पे 305 ग्राम्स यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे कंट्री ऑफ ऑरिजिन ये मैंडेटरी कर दिया गया है सभी मार्केट प्लेस में, तो इंडिया कर दे रहा हूँ यहाँ पे। SKU ID आपको देना है, तो SKU ID क्या है इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया, अलग से वीडियोस भी मैंने डाला है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो कि उसके बारे SKU ID के बारे में आपको पता नहीं है, तो आप जाकर चैनल पे चेक कीजिए, उसके बारे में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो SKU ID मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद साइज़ देना है, तो ये फ्री साइज़ है, तो ये यहाँ पे क्लिक करके मैं डन कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे इन्वेंट्री देना है, तो मिनिमम 1 इन्वेंट्री आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि अगर आप 0 करके यहाँ पे लिस्ट नहीं कर सकते, 1 मिनिमम 1 करके रख सकते हैं, उसके ज़्यादा तो आप दे ही सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 कर दे रहा हूँ। इसका लेंथ वाइड एंड हाइट आपको यहाँ पे डालना है, तो लेंथ हाइट वाइड और लेंथ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इसका मैंने हाइट मैंने एक बार चेक कर ले रहा हूँ कितना मैंने हाइट मैंने ऑलरेडी मेजरमेंट कर लिया था। इसका हाइट है 28 सेंटीमीटर, तो चलिए मैं इसका हाइट मैं दे देता हूँ यहाँ पे 28। यहाँ पे आपको मैनुअली टाइप नहीं कर सकते, आप यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको ये सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 28 कर दे रहा हूँ यहाँ पे। इसका वाइट मैं दे रहा हूँ इसका 26 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 8.5, तो यहाँ पे मैं 26 कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए 26 और 8.5 देखते हैं 8.5 है कि नहीं, तो 9 कर दूंगा या तो फिर 8 कर दूंगा यहाँ पे। तो पॉइंट में शायद यहाँ पे नहीं मिलेगा, 8 नहीं है यहाँ पे, तो मैनुअल देख सकते हैं, मैनुअल ऐड हाँ है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो उसके बाद अगर और भी साइजेस है तो आपको यहाँ पे देना है, क्योंकि फ्री साइज में सिलेक्ट किया है, तो इस वजह से एक ही आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद कलर देना है, तो मेनली ये ब्लैक कलर में है, तो ब्लैक कर दे रहा यहाँ पे। जो इसका जो मटेरियल होगा, तो ये आर्कलिक है फेब्रिक, तो जूट लेदर प्यू पॉलिस्टर इज सिंथेटिक, तो मैं यहाँ पे इसका तो मेरा जो बीडेड है, तो यहाँ पे मैं ये मैंडेटरी फील्ड देना है, तो मैं उसका जो इनर मटेरियल उस हिसाब से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो फेब्रिक कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल पैक आपको कितना, अब एक पैक के अंदर कितना है, तो एक 1 ही है, तो पैक 1 कर दे रहा हूँ। नंबर ऑफ कंपोनेंट तो यहाँ पे 1 कर दे रहा हूँ। ऑकेशन आपको सिलेक्ट करना है, तो ये मैं इथेंटिक कर दे रहा हूँ, या पार्टी जो भी कर सकता हूँ मैं, तो चलिए इथेंटिक कर दे रहा हूँ। पैटर्न यहाँ पे ये मैटर फील्ड्स नहीं है, तब चाहे तो दे सकते हैं। तो ये फ्लोरल है, तो देखते हैं फ्लोरल इसके अंदर है कि नहीं है, तो ये मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। टाइप में यहाँ पे दे रहा हूँ बैग विद पाउच, हैंड बैग सेट, हैंड हेडल बैग, तो ये मैंने सेट कर दिया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये जो डिटेल मैंने यहाँ पे भरा है, तो और प्रोडक्ट्स पे भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, यहाँ पे देखिए ऊपर में चेक कॉपी इनपुट डिटेल्स टू ऑल प्रोडक्ट्स, अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स का अलग अलग डिटेल्स है तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑप्शन, अगर नहीं है तो आपको वो मैनुअली आप जाके चेंज कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सब सेम ही है, तो इसलिए मैंने वो चेंज नहीं किया। तो ऑलरेडी देखिए सभी यहाँ पे जो लिस्टिंग है सब जगह पे सेम चला आया है, तो सिर्फ मैंने को कलर को चेंज करना है। तो ये वाला भी ब्लैक है, तो ये भी मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करूँगा, सिर्फ मैं यहाँ पे SKU ID को अपडेट करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पे SKU ID को भी यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो SKU ID ये वाला जो है ब्लैक वाला जो है, ब्लैक एंड वाइट का है, तो ये वाला SKU ID है, तो SKU ID मैं यहाँ पे कॉपी करके ये मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए ये भी SKU ID मैंने डाल दिया। उसके बाद रेड वाला है, तो यहाँ पे सिर्फ जाके मेरे को एक कलर को चेंज करना है, SKU ID चेंज करना है। तो चलिए यहाँ पे रेड मैं सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ओके
रेट पर मैंने सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे एसक्यू आई डी भी अपडेट कर देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे सब कुछ अपडेट कर दिया, सेम है, कुछ चेंज नहीं। एसक्यू आई डी को चेंज कर दिया मैंने, कलर्स भी चेंज कर दिया, प्राइसिंग जो है सेम है, वेट जीएसटी वगैरह सब सेम है, स्टॉक सभी का मैंने एक ही पास कर रहा हूँ मैं। बाद में इसको मैं अपडेट कर दूंगा, बस और कुछ नहीं आपको करना है। ईजी प्रोसेस है, उतना ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप चाहे हो ये तो आप सेव करके रख सकते हैं, बाद में और भी चाहे आप प्रोडक्ट को ऐड करके अपडेट कर सकते हैं। अगर चाहे अगर आपका कंप्लीट हो गया तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सबमिट जो कैटलॉग है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो एक बार आपको यहाँ पे कंफर्म पड़ेगा कि ऑलरेडी आप क्वालिटी चेक या सब कुछ आपने कर लिया है कि नहीं, तो उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मैंने लिस्ट किया था, मैं डेमो के पर्पज़ किया था आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था कि क्या क्या डालना है या नहीं डालना है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये जो क्यूसी स्टेटस प्रोसेसिंग में चला गया है, तीनों प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। तो आपको आप जाके चेक कर सकते हो, जब लॉग इन करके आप चेक कर सकते हो, और आपको एक मेल भी मिल जाता है कि आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो गया है या लाइव भी हो गया है। तो लाइव होने में और मार्केट की तरह थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मेरा जो पहला जो मैंने लिस्टिंग किया था वो 3 या 4 दिन के बाद वो लाइव हुआ था, तो थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे लिस्टिंग को लाइव होने में। तो देखते हैं, मैंने आज अभी अपडेट किया, कब लाइव होता है वो देखते हैं। 2 या 3 दिन में आपका जो प्रोडक्ट है वो लाइव हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। इजी प्रोसेस से आप जो सिंगल लिस्टिंग जो प्रोसेस है आप कर सकते हैं, और आप जाके कैटलॉग अपलोड पे जाके आप चेक कर सकते हैं लिस्टिंग का स्टेटस क्या है, वहाँ पे जाके आप अपना जो लिस्टिंग स्टेटस है वो आप देख सकते हैं। जब ये लाइव हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये लाइव के अंदर वो चला आएगा, अगर कोई भी एरर आएगा तो आपको क्यूसी एरर पे यहाँ पे शो करेगा। तो आप इजी प्रोसेस से अपना जो सिंगल लिस्टिंग है मीशो सेलर्स पोर्टल पे आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप अपने मीशो पे सिंगल लिस्टिंग आपका जो करना है, प्रोडक्ट को लिस्टिंग करना है, सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करना है वो मैंने आपको डिटेल में बताया। पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको लिस्ट करना है। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको मीशो पे सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करना है और क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है उसके बारे में आपका पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया है। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बल्क लिस्टिंग करना है मीशो पे, अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ आप लिस्ट करना चाहते हैं, जैसे फैशन प्रोडक्ट्स हो या आपके पास बहुत सारा स्टॉक है, बहुत सारा डिज़ाइन है, एक साथ कैसे बल्क में लिस्टिंग करना कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, अगर आप अभी भी आप अगर में नए हैं तो भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप हमारे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए धन्यवाद।